जय हिंद। तो चलिए इसमें हम आगे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं राष्ट्रीय उद्यानों को। तो हमने इतना जो कि राष्ट्रीय उद्यान को क्लियर कर लिया है, ये हमारा पूर्वी भारत का हो गया, ये हमारा हो गया उत्तर भारत का। तो हमने इतना जो कि देख लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये जो मैंने राष्ट्रीय उद्यान को बताया, यानी जो नेशनल पार्क को मैंने बताया, ये आपने जो कि आसानी से रिविजन भी कर लिया होगा और आपको एकदम आसानी से पूरा एकदम याद होगा, एकदम इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट से एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं और उसको एक बार मतलब कि दोहरा लेते हैं और इसके बाद जो भी यहाँ पे दक्षिण भारत का होगा उसको यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको भी हमारे साथ बोलना है भाई, देखिए क्योंकि मैं आपको यहाँ पे याद करवा चुका हूँ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक बार बोल लेते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। चलिए इशारा करते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको तीन याद रखना था, ऊपर में सबसे पहले आपका दिहांग राष्ट्रीय उद्यान है, नामदफा है और आपका डिब्रू सुखा है, ठीक है। तो नामदफा, डिब्रू सुखा है और दिहांग हो जाएगा, ठीक है। नीचे आते हैं असम में, असम में आपको याद रखना है दो, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। नीचे में आते हैं मेघालय में, तो मेघालय में आपको नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नीचे में चले जाते हैं मणिपुर में, तो मणिपुर में आपको यहाँ पे रखना है एक हमारा जो कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऊपर के साइड में बढ़ते हैं तो ऊपर में आपको यहाँ पे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ठीक है। नीचे में आते हैं उड़ीसा के साइड में, तो उड़ीसा में आपको यहाँ पे दो जो याद रखना था मैंने आपको बताया, कौन सा भाई, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, एक हमारा कौन सा है, तो गहिरमाथा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, या फिर उसी को हम यहाँ पे भीतरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, ओके। बिहार में चले जाते हैं तो बिहार में आपको याद होगा वहाँ पे चंपारण में हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। झारखंड में आ जाते हैं तो हमारा बेतला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। फिर यहाँ पे वहीं पे हमारा उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं तो हमारा बनारस में एक हमारा मिल जाएगा, कौन सा भाई, तो बनारस में हमारा जो कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऊपर में हम बढ़ते हैं यहाँ पे मतलब उत्तर प्रदेश में ही, तो हमारा ऊपर में भाई कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी में हमारा जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ओके। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे गुड़गांव में आपको देख लेंगे, तो गुड़गांव में आपका कौन सा है, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऊपर हम कश्मीर में चले जाते हैं तो कश्मीर में आपको दो याद रखना था, किश्तवाड़ था, एक हमारा डची ग्राम था, या फिर उसी को हम यहाँ पे मतलब कि सिटी फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, या फिर उसी को सली मली के नाम से भी जानते हैं, ओके। तो वो हो गया हमारा दो जो कि कश्मीर में। नीचे में आ जाते हैं हमारा जो कि राजस्थान में आ गए, तो राजस्थान में आपको जो कि एक मैंने बताया था कौन सा भाई, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर हो गया ना इतना, तो यही हमारा था। और एक हमारा हिमाचल प्रदेश में जो कि कौन सा है, तो हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है। तो इतना को क्लियर हो गया, एक बार एकदम क्विक रीजन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब नीचे के साइड में बढ़ते हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हमारा बचा हुआ था एक हमारा उत्तराखंड वाला एरिया और इस साइड में हमारा राजस्थान वाला एरिया। अभी राजस्थान में हमने केवल एक ही देखा था, केवल यहाँ पे केवलादेव जो कि सारस के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ पे साइबेरिया के जो कि पक्षी यानी जो सारस है वो आता है, उसके लिए जो कि हमारा फेमस है कौन सा, केवलादेव, ठीक है। तो साइबेरिया का जो सारस है वो आकर के यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना ये भी, तो आगे हम बढ़ते हैं, अब समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले उत्तराखंड वाले को देख लेते हैं, चूंकि यहाँ पे जगह अभी नहीं है तो हम इधर ही बना देते हैं, ठीक है। चाहे देखिए ये हम लिख देते हैं उत्तराखंड वाले को, देखिए ठीक है, ये हमारा उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड में आपको यहाँ पे जो कि चार याद रखना है, एकदम आसानी से याद करना है, चार है वहां पे जो कि राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले आपको याद रखना है नंदा देवी, ठीक है, एकदम पहले आप ध्यान सुनिएगा, नंदा देवी राजा जी, ठीक है, नंदा देवी राजा जी, फूलों की घाटी, जिम कार्बेट, ठीक है। अब इसको ट्रिक से याद करिए, नंदा देवी एक है, ठीक है, एक राजा जी है, दोनों लोगों का क्या हुआ, आपस में विवाह हो गया, ठीक है। तो नंदा देवी राजा जी, ठीक है, विवाह हो गया फूलों के साथ, यानी फूलों के साथ, मतलब भाई फूलों तो शीर का मतलब ऊपर से गिराया जाता है ना, तो वहां पे नंदा देवी राजा जी, फूलों की घाटी, यानी जो फूल बरसाया जाएगा उसके बाद से देखेंगे शादी के बाद थोड़ा मतलब कि मोटे मोटे होने लगे तो थोड़ा जिम करना पड़ेगा, ठीक है। तो नंदा देवी राजा जी, फूलों की घाटी, जिम कार्बेट, वही जो हमारा फूलों की घाटी है ना उसी को मतलब कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको चार याद रखना है, कौन सा भाई, तो नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी एक हमारा राजा जी, ठीक है, राजा जी, फूलों की घाटी जिम कार्बेट, ठीक है, जिम कार्बेट, ठीक है। चूंकि यहाँ पे लिखने का जगह नहीं था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जो कि बता दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड में आपको चार्ट हो, यहाँ पे नंदा देवी के साथ मतलब विवाह हो गया राजा जी से, उसके बाद से यहाँ पे फूलों के साथ हुआ है, तो फूलों की घाटी और यहाँ पे जिम कार्बेट जो कि बाद में हो गया, ठीक है, यानी शादी के बाद जिम कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो नंदा देवी राजा जी, फूलों की घाटी, जिम कार्बेट, चार आपको उत्तराखंड में याद हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ ना। आगे देखिए एकदम इसी प्रकार से सब आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा उत्तराखंड क्लियर हो गया। राजस्थान में आते हैं, तो राजस्थान में आपको याद रखना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं राजस्थान, ठीक है, आपको राजस्थान में आते हैं, तो राजस्थान में आपको भी यहाँ पे भी आपको जो कि तीन है, चूंकि हमने एक हमें आपको यहाँ पे बता दिया है, तो देखिए तीन आपको यहाँ पे याद रखना है। एक आपका रणथंभौर है, चूंकि आपको पता है रणथंभौर का भाई किला कहाँ पे, तो राजस्थान में तो है, जयपुर के पास में इस साइड में थोड़ा सा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर
ये हमारा हो गया जो कि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ओके। रणथंभौर का किला है वहीं पे हमारा एक रणथंभौर जो कि राष्ट्रीय उद्यान है। आपको पता है भाई रणथंभौर पे बहुत बार आक्रमण किया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भाई तीन तीन बार आक्रमण किया है, जबकि बाद में अंततः जाकर के जो उसके सेना है उस पर जब विजय प्राप्त कर लेता है जो कि 1303 में, ठीक। तो रणथंभौर तो आपको क्लियर हो गया, ये हमारा जो कि 1303 में जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर जो कब्जा भी कर लिया था। तो ये रणथंभौर उसी के पास में, तो रणथंभौर का हमारे क्या हो जाएगा, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यानी रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि हो जाएगा। आगे देखते हैं आपको यहाँ पे रखना है सरीसिका, ठीक है, सरीसिका, ठीक है, सरीसिका हमारा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। एक आपको याद रखना है यहीं पे आपका नहरगढ़, देखिए कुछ एकदम मतलब कि राजस्थान से ही रिलेटेड है नहरगढ़, देखिए नहरगढ़ भी हमारा लग रहा है कि राजस्थान में होगा, नहर और से रिलेटेड है। तो नहरगढ़ हो गया, गढ़ लगा हुआ है, और यहाँ पर रणथंभौर और सरीसिका। तो एकदम आसानी से बोलना है आपको, रणथंभौर सरीसिका और हमारा जो कि नहरगढ़, रणथंभौर सरीसिका नहरगढ़, रणथंभौर सरीसिका नहरगढ़, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए ये हमारा हो गया राजस्थान में, राजस्थान का क्लियर हो गया। गुजरात में आते हैं, ठीक है, तो गुजरात में, गुजरात, ठीक है, गुजरात में भी आपको यहाँ पे तीन याद रखना है, ठीक है। सबसे नीचे में आपको यहाँ पे एक जो कि गिर है, तो वहाँ पे गिर हो गया हमारा, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। गिर है यहाँ पे बब्बर शेर के लिए भाई, जो नहीं होता एकदम झोझे बार रख ले रहता है, क्या होता है मतलब कि जिसमें दुर्गा जी बैठी रहती हैं, शेर एकदम जो वो बब्बर शेर, ठीक है, तो उसका एकदम बाल होता है एकदम बड़ा बड़ा एकदम, कब कुछ हारता ही नहीं है। देखिए ये हमारा जो कि बब्बर शेर हो गया, यानी गिर जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे किसके लिए, तो बब्बर शेर के लिए फेमस है बब्बर, याद रखिएगा भाई, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बब्बर शेर के लिए भाई हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो हमारा, उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे कच्छ मेरिन, ठीक है, कच्छ, उसका से मेरीन, मेरीन, ठीक है, कच्छ मेरीन मिल गया, गिर मिल गया, यानी आपको यहाँ पे गिर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इस साइड में, तो यहाँ पे आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऊपर की साइड में, चूंकि कच्छ का रन है, ठीक है, तो कच्छ के रन में आपको यहाँ पे कच्छ मेरीन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरीन है आपका, ठीक है, ये आपका कच्छ है, ठीक है, तो यहाँ पे कच्छ हो जाएगा, यहाँ पे मेरीन हो जाएगा, और ये आपको याद हो गया गिर, क्लियर हो गया ना इतना। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपको हमारा कितना हो गया भाई, तो यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, कच्छ हो गया और मेरिन हो गया। तो आपको कच्छ मेरिन एक ही में याद कर लीजिए, कच्छ मेरिन और यहाँ पे गिर, और एक हमारा यहाँ पे जो कि नाल सरोवर, ठीक है, नाल सरोवर, सरोवर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है गिर राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ मेरिन, नाल सरोवर, कच्छ मेरिन, नाल सरोवर। गिर तो आपको याद ही हो गया भाई बब्बर शेर के लिए, गिर हो गया हमारा, कच्छ मेरिन, नाल सरोवर, कच्छ मेरिन, नाल सरोवर, क्लियर हो गया ना। ये भी हमारा जो गुजरात का क्लियर हो गया। आगे बढ़े जाए तो ये हमारा गुजरात का हो गया। आगे देखा जाए गुजरात में क्लियर, मध्य प्रदेश में आते हैं, तो मध्य प्रदेश का भी हम ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में हम देख लेते हैं भाई। तो मध्य प्रदेश में आपको चार मिले रूप से याद रखना है। देखिए सबसे पहला आपको यहाँ पे याद रखना है, एक हमारे जो कि मिल जाएगा आपको यहाँ पे जो कि कान्हा, कान्हा, किसली, किसली, बांधोगढ़, बांधोगढ़, ठीक है, बांधोगढ़ और पेंच, ठीक है, पेंच आप याद रखिएगा भाई, इससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए कुछ चारों एकदम लाइन याद करना है, कान्हा, किसली, बांधोगढ़ और पेंच, कौन सा भाई, तो कान्हा, किसली, बांधोगढ़ और पेंच, ठीक है, कान्हा, किसली, बांधोगढ़ और पेंच, कान्हा, किसली, बांधोगढ़ और पेंच, ठीक है, तो कान्हा, किसली, बांधोगढ़, पेंच, चारों याद हो गया। ये आप याद रखिएगा, पेंच वाले पर अभी कुछ मतलब कि जल्दी यहाँ पे बनाया गया था, क्योंकि यहाँ से एक हाईवे गुजरा था, तो आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो हमारा पेंच हो गया, तो कान्हा, किसली, बांधोगढ़ और पेंच, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया ना यहाँ तक, मध्य प्रदेश में भी क्लियर हो गया। आगे देखा जाए, आगे आपको याद रखना है, यहाँ पे आ जाते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में आपको एक ही याद रखना है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साइड में, ठीक है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र का जो इधर वाला एरिया है इस साइड में, तो यहाँ पे जो हमारा जो कि नवे गाँव है, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है नवे गाँव, ठीक है, नवे गाँव, ठीक है, ये हमारा नवे गाँव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, कौन सा भाई, तो नवे गाँव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। उसके बाद से ये महाराष्ट्र में आपको एक ही याद रखना है। नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं कर्नाटक में, तो कर्नाटक में आपको नीचे के साइड में, ठीक है, कर्नाटक में आपको नीचे के साइड में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे बांदीपुर, ठीक है, कौन सा भाई, तो बांदी, बांदीपुर, ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ठीक है, तो बांदीपुर से बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, कहाँ पे भाई, तो कर्नाटक में, ठीक है, कहाँ पे भाई, तो कर्नाटक में हमारा जो कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ओके। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए हमने क्या क्या भाई देख लिया, यहाँ पे जो कि महाराष्ट्र में नवे गाँव हो गया, हमारे यहाँ पे बांदीपुर हो गया, ओके, कर्नाटक में। नीचे बढ़ते हैं भाई, तो नीचे में आपको यहाँ पे याद रखना है, केरल में आ जाते हैं, तो केरल में आपको यहाँ पे एक चीज को याद रखना है, यहाँ पे देखिए यहीं पे आपको एकदम मिल जाएगा यहीं पे, ठीक है, यहीं पे केरल में, ठीक है, केरल में आपको यहाँ पे एक याद रखना है, केरल में भाई कौन सा है, तो केरल में आपको यहाँ पे जो मिल जाएगा पेरियार मिल जाएगा, ठीक है, पेरियार,
ठीक है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा पेरियार, यानी आपको यहाँ पे केरल में कौन सा अभय मिल जाएगा, तो पेरियार ही हमारा एक नदी है, पेरियार नदी के पास में ही हमारा एक बनाया गया है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ठीक है, यानी पेरियार हमारा नेशनल पार्क हो जाएगा। और यहीं पे आपका एक जो कि पेरियार नदी पे ही आपका एक इदुकी परियोजना को भी बनाया गया, आपको पता होगा, तो ये आपको याद रखना है। कहाँ पे भाई, तो कर्नाटक में हमारा, केरल में हमारा कौन सा पेरियार हो जाएगा, कर्नाटक में हमारा बांदीपुर हो जाएगा, उसके बाद हमारे महाराष्ट्र में नवेगांव हो जाएगा, यहीं पर हमारा मध्य प्रदेश के बगल में हमारा जो है वो छत्तीसगढ़ है, चूंकि छत्तीसगढ़ अब जो कि टूट चुका है, तो छत्तीसगढ़ जो है वहां पे आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में आपको एक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को याद रखना है, ठीक है, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यही पर देख देते हैं, क्योंकि हमारा पूरा छत्तीसगढ़ वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश हमारा यह पूरा है, यहीं पर हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है कौन सा भाई, तो छत्तीसगढ़ में हम लिख देते हैं यहाँ पे संजय गांधी, ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भाई कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं छत्तीसगढ़, ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, यानी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे बोल देगा कि संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो हमारा पटना में हो जाएगा, ठीक है, यानी बिहार में, ओके, तो पटना में हमारा कौन सा है, तो संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ये हमारा संजय गांधी के राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे भाई, तो छत्तीसगढ़ में, ओके। आगे हम बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में आपको यहाँ पे याद रखना है, एक आंध्र प्रदेश में यहाँ पे बीच में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में यहीं पे, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है यहाँ पे एक जो कि श्री वेंकटेश्वर, ठीक है, श्री वेंकटेश्वर जो कि आपको नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो श्री वेंकटेश्वर भाई कहाँ पे, तुम्हारा आंध्र प्रदेश में, श्री वेंकटेश्वर भाई कहाँ पे, तुम्हारा आंध्र प्रदेश में, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको एक एक जो कि है आप तो आसानी से याद कर सकते हैं, महाराष्ट्र में नवेगांव, कर्नाटक में बांदीपुर, नीचे में आप आ जाएंगे तो पेरियार हो जाएगा केरल में, ऊपर हम चल जाएंगे यहाँ पे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो हमारा आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर जगह आपको मिल जाएगा, ओके। नीचे देखते हैं तमिलनाडु हमारा एक बचा हुआ है केवल, उसको भी हम देख लेते हैं, तो तमिलनाडु में आपको एक ही आपको याद रखना है, एक हमारा भाई कौन सा है, तो तमिलनाडु में आपको एक ही यहाँ पे याद रखना है इंदिरा गांधी, ठीक है, आपको यहाँ पे एक याद रखना है, यहीं पे साइड में, ठीक है, यहीं पे आपको मिल जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा भाई, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपको मिल जाएगा, इसी को यहाँ पे जो कि अन्नामलाई बोलते हैं, ठीक है, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, यहीं पे आपका अन्नामलाई चूंकि पर्वत है, मैंने आपको पर्वत भी पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको भी एकदम वो भी क्लियर हो जाएगा, ओके। यहीं पे आपका एक अन्नामलाई पर्वत है, वहीं पे आपका स्थित है भाई ये अन्नामलाई जो कि राष्ट्रीय उद्यान या फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो इतना आपको क्लियर हो गया ना, यही हमारे क्या है भाई, यही हमारे राष्ट्रीय उद्यान यानी जो नेशनल पार्क है, जो हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, यही हमारा इतना था। अब हम समझ लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन सभी में भाई कौन कौन से जानवर भाई पाए जाते हैं, ये तो मैं आपको बताया ही नहीं, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में एकदम ऐसे ट्रिक आपको बताऊंगा ना कि आपको पूरा याद हो जाएगा। देखिए अब आपको बता देते हैं कि भाई किसमें कौन सा भाई जानवर रहता है, तो आपको मैंने कुछ यहाँ पे बताया था इंपॉर्टेंट चीज को कि काजीरंगा में आपको मैंने आपको बता दिया था, काजीरंगा में आपको एक सिंह गेंडे के लिए प्रसिद्ध था, यहाँ पे आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका जंगली भैंस के लिए प्रसिद्ध था, उसके बाद जैसे आप इधर में आ जाएंगे तो केवला देव सुल्तानपुर या हमारा नाल सरोवर, ठीक है, तो केवला देव सुल्तानपुर और नाल सरोवर जो है वो हमारा पक्षी के लिए, ठीक है, केवला देव नाल सरोवर और जो हमारा ये सुल्तानपुर है ये दोनों बाईपास में ही, तो पक्षी के लिए हो गया, ठीक है, एक हमारे ये भी पक्षी के लिए हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पक्षी के लिए हो गया, पक्षी के लिए, और ये आपको याद ही हो गया, यहाँ पे गिर वाला जो है हमारा बब्बर शेर के लिए हो जाएगा। और देखिए जितना आपको और बसता है, जो भी आपको यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बसता है, सब किसके लिए हो जाएगा, सब आपका टाइगर के लिए हो जाएगा, यानी बाघ के लिए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, पूरी दुनिया का 70% जो टाइगर है ना, 70% हम बता दे रहे हैं पूरी दुनिया का, ये आपके भारत में ही पाए जाते हैं, तो बताइए भारत में इतने टाइगर पाए जाते हैं तो कहाँ पे रहेंगे सब, इसी में ना रहेंगे सब, तो ये सब क्या हो जाएगा, सब टाइगर मार दीजिएगा, ये सब के सब जो कि हमारे टाइगर ही हो जाएंगे, ये वाला जो आपका एक है यहाँ पे डचीग्राम में आपका बारहसिंगा केवल आपको याद रखना है, ठीक है, तो बारहसिंगा आपको याद रखना है, इधर काजीरंगा में आपको एक सिंह के गेंडे के लिए याद रखना है, ये हमारा मानस वाला जो है वो मतलब कि जंगली भैंस के लिए याद रखना है, ये गिर वाला जो हमारा बब्बर शेर के लिए याद रखना है, और तीन आपको पक्षी के लिए सुल्तानपुर केवलादेव और नाल सरोवर, और सब हमारे क्या हो जाएगा बाघ के लिए हो जाएगा। तो बस यही था हमारा नेशनल पार्क यानी वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, यही हमारा था जो कि आपको, तो बस यही था हमारा राष्ट्रीय उद्यान, यही हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य था, यानी जो भी हमारे यहाँ पे पशुओं को या पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए हमारे बनाया गया था। तो आई होप कि पूरा जो क्लियर हो गया होगा, अब आपको इसमें नेशनल पार्क में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बस आज की शूट में ध्यान देते हैं, तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन बेल होगा ना उसको ऑल पे जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम अभी और भी आपको मैंने ऐसे ही जो कि इंपॉर्टेंट वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।